So guys, मेरा हेयर कट हो गया, देख सकते हैं आप। और मेरी स्कूटी चल रही है, मैं पीछे बैठा हूँ। ये एक्सपीरियंस भाई साहब अल्टीमेट है और गजब का वाह वाह उम्दा। डिफरेंशियली एबल्ड की लिफ्ट में जा रहे हैं गाइस, हम देख सकते हैं गाइस। जहाँ लिफ्ट में शीशा नहीं दिखा, बाल साफ करना और बाल सही करना ही जीवन का सिद्धांत है। अगर आपने ऐसा ना किया हो, मिट्टी स्वर की है भाई, हम लोग स्वर की तरफ प्रस्थान करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, रोशनी बढ़ती जा रही है और हमें भगवान के मिलने का अनुभव हो रहा है। तो ये रहा मेरा लैपटॉप और हो रही है स्पेल्टिंग। और भी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी वेटिंग होने बाकी है, अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है बेसिकली। और ये हूँ मैं, अभी देख सकते हो यार, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, एक व्लॉग एडिट हो रहा है, साथ में स्टार्टिंग हो रही है। और मेरा हुलिया देख सकते हो आप, बड़ा डिफरेंट सा हो गया, बढ़ गया बाल। तो अभी चल रहे हैं फटाफट से हेयर कट लेने वाले हैं। और ये व्लॉग में बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने वाली है। आपको करना क्या, आपको करना है लाइक और फिर करना है शेयर, जहाँ को सब्सक्राइब तीन काम फटाफट से करना। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी सारी चीजें क्या होने वाली है इस व्लॉग में, फटाफट से आइए चलते हैं। तो बात ऐसी है कि मैं इस वक्त पहुँच गया रोहतास में और अभिषेक भाई से मिलने जा रहा हूँ और उनके ब्लॉक में विंग में खड़ा हूँ। आपको मिलाता हूँ कि अभिषेक भाई कौन है। अभी मैं उनके एरिया में एंट्री ली है। रुक जाइए, आ जाइए। क्या रहे अभिषेक भाई, क्या चाल है? बढ़िया। क्या चल रहा, क्या कर रहे थे? अच्छा, ये देखिए भाई कितना मेहनत वाला काम है इस तरह की बिल्डिंग पे और ड्राइंग बनाना। इस तरह कोई भी काम हो तो भाई का नीचे यार दे दूंगा डिटेल, यहाँ पे आके इनसे काम जरूर करवाएं। देख लो पीछे ड्राइंग बन रही है ऐसी, तो आप इनसे करवा सकते हैं। उनका फोन आ रहा है, बात करने दो उनको। अभी जो है यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ इसलिए भी आए हैं कि एक तो इनसे मिलना भी था, प्लस हमने कहा था थोड़ा बाल भी कटा ले। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जगह कौन सी जहाँ मेरे बाल कटते हैं। सो गाइज, मेरा हेयर कट हो गया, देख सकते हैं आप। और पीछे से इधर से सब तरफ से मेरा लुक कैसा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में, बता सकते हो देख करके कि यार कैसा लग रहा है। और मैंने आखिरकार फाइनली बाल अपने कटा लिए, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है मुझे। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन हो रहा है आपका ट्यूसडे, और इसके पहले आपने देखा मैंने हेयर कट वगैरह करा लिया, आप देख सकते हो मेरे लुक और उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है। और आज बेसिकली दिन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं इस ब्लॉग में आगे। जो आपने पिछला ब्लॉग अगर देखा होगा, मैं गया था सौरभ के साथ नाजा मार्केट में, यहाँ पे कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं लिंक आ जाएगा उसका लैपटॉप बनवाने के लिए। लेकिन उस लैपटॉप में बनने के बाद भी कुछ एक समस्या आ गई, जिसकी वजह से शायद उसका टच पैड या समथिंग ऐसा कुछ खराब हो गया। तो अभी चलते हैं उसके घर, उससे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं वहां पर सारी चीजें की क्या होने वाली है। So guys, ये है इनका पेट सौरभ का पुच्चू, और देख सकते हैं कितने लंबे हो गए महाशय जी। और ये बिल्कुल ब्लॉग में आते नहीं है, इनकी खासियत है इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, देख सकते हैं आप। ये देखो, ये देखो, बात ऐसी है कि देखो भाई, अपनी गाड़ी पे बैठने का अनुभव नहीं मिलता है। क्या बोला तूने? मतलब अरे बैठने, मतलब चलाने का मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। लेकिन अभी जो है वो सौरभ भाई साथ है और गाड़ी चला रहा है अभी मैं, और मेरी स्कूटी चल रही है, मैं पीछे बैठा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस भाई साहब अल्टीमेट है और गजब का वाह वाह उम्दा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तेल बचा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। पिछली बार जब ब्लॉक किया था तेल बहुत महंगा था, इस बार तो और कतई महंगा हो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो यहाँ से गाड़ी खड़ी की जाएगी भूतनाथ मेट्रो स्टेशन की तरफ में, और वहाँ से पकड़ेंगे मेट्रो और हम जाएंगे कहाँ, हम जा रहे हैं, देखिए बैग आज फिर हमारे साथ है, लैपटॉप की एक प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है और चल रहे हैं नाजा, इस बार मेट्रो की हेल्प ही जाएगी। तो चलिए चलते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं भाई साहब क्या होने वाला है। चलिए, जहाँ लिफ्ट में शीशा नहीं दिखा, बाल साफ करना और बाल सही करना ही जीवन का सिद्धांत है। अगर आपने ऐसा ना किया हो, तो असल ह्यूमन नहीं है, तो आप इंडियन नहीं है असली, जैसे कहा जाओ इंसान भी नहीं है साथ में। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। सो अभी जो है भूतनाथ स्टेशन आ गए, ये रहा भूतनाथ का मेट्रो स्टेशन।
अभी ले आ रही है एंट्री। ये रही टिकट, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस लगी हुई है। और अपने को क्या नाम है, जाना है हजरतगंज तक जाना है। और हम खड़े हैं कहाँ पे, हम खड़े हुए इस समय भूतनाथ पे। तो हमारा हजरतगंज तक का 70 रुपये लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम वो देख करके टिकट लेते हैं यहाँ से। सो देखो यार, इतनी बढ़िया जगह अगर आप खड़े हो और मेट्रो स्टेशन में आप खड़े हैं और देख सकते हैं बंदे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहे, बंदे नहीं दिख रहे, बंदे छोड़े बंदे की दूर दूर तक बंदों की दिख रहे भाई। तुम आलमबाग के मेट्रो स्टेशन पे जाके देखो एक बार, मुझे लग रहा है लखनऊ मेट्रो जो है वो इतनी तगड़ी लॉस में चल रही है कि बंदा ट्रैवल नहीं कर रहा। और टाइमिंग पूरा स्टेशन अब खाली थे, तो एक वो बंदा लिटरली बैठा है, एक वो बंदा बैठा और एक गार्ड है, दैट्स इट। उस सामने वाले में कोई नहीं है, तो मतलब जिसे कहा जाए कि मतलब लोग इस चीज़ को इस्तेमाल ही नहीं करते। अभी लखनऊ में रह के गाय नहीं इस्तेमाल कर रहे हो भाई, इस्तेमाल करो और इस पर ट्रैवल करो। मैं धूप से और एसी से ट्रैवल करने का मजा ले रहा हूँ। और भाई साहब देखिए, सौरभ भाई हमारे, और पिछले ब्लॉग में हम इनको देखा था, क्या हुआ था वो आपको पता नहीं है, यहाँ देख लेना, लिंक डाल दूंगा मैं। पार्ट कंटिन्यू हो रहा है अगला। अब आज क्या चेकआउट क्या बनवाने चल रहे हैं आप? आज जो है पंखा जो है थोड़ा सा हवा कम दे रहा है, इस वजह से हम I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. So abhi kya kehte hain, Hazratganj metro station pahunche hain. Aur bhai sahab maza aa gaya. दौड़ते बचते हुए, इट वॉज अ गुड आइडिया ब्रो। सीढ़ी स्वर की है भाई, हम लोग स्वर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे से ऊपर जा रहे हैं रोशनी बढ़ती जा रही है और हमें भगवान के मिलने का अनुभव हो रहा है, अनुभूति मिल रही है। हम लोग स्वर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। अरे भाई साहब गर्मी है कि क्या है, मन ही नहीं कर रहा मैं ऐसे मेट्रो से छोड़ के जाने का। तो आज फिर आ गए इनकी दुकान पे, देख सकते हैं आप। और भैया जी बनाएंगे हमारा लैपटॉप फिर से, तो सही चल रहा है भैया कृपा कर दे तो मेरे को लगता है सही हो जाएगा। आज पिछले हफ्ते आए थे बाबा जी, कृपा होगी, देखो आगे लगे ना तो बना दिखाएंगे भी तुम्हें। सो इसका लैपटॉप जो है अभी बन गया है। और ये देखिए भाई साहब, इसने टच पैड बनवा लिया। क्या गड़बड़ी हुई थी, वह कनेक्शन लूज हो गया था, पिछले एक हफ्ते से परेशान था। आज छुट्टी हुई ऑफिस, तो आज जाके लैपटॉप बनाया। मैं कह रहा था कि मतलब अभी तो वापस बना दिया इसने, और जब लास्ट टाइम ले रहे तब भी चल रहा था, लेकिन घर जाते जाते बंद हो गया था। तो अगर आज भी वैसे ही हुआ तब तो फिर मामला गड़बड़ आया। चलिए लैपटॉप वगैरह बन गया है, अब मेट्रो की राइड फिर से की जाए और वापस चला जाए अपने डेस्टिनेशन। तो वापस चलते हैं अपने वहाँ मेट्रो स्टेशन भूतनाथ, वहाँ चल के अपनी गाड़ी उठाएंगे और फिर आगे का जो भी होगा उधर कंटिन्यू करेंगे। ये भाई साहब जो है वो कॉइन को टच करके लेके जाने वाले थे घर अपने, इन्होंने कहा कि हम कॉइन घर लेके जाएंगे और हेड टेल खेलेंगे उससे हम लोग। सबसे महंगी चीज़ गाइस दे सकते हैं आप ये नींबू, हाँ भैया सोना डाला गया भाई इसमें, आप देख सकते हैं। तो अभी सिकंजी वगैरह पी ली गई है और इस वक्त अभी चल रहे हैं आगे अपनी गाड़ी लेने भूतनाथ पे, यहीं पे पहुंच गए हैं। वो खड़ी है मेरी गाड़ी राजेश, वो देखिए हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, तफ्तरी वाले लौंडे हमारा सिग्नेचर है। अब चलते हैं गाड़ी से, आगे का सीन दिखाता हूँ मैं। फिर से इस महंगी जगह पर हमारा मतलब विजिट ही रोज होता है हमारी महंगी जगह, हम लोग अमीर जगह पर ही जाते हैं भाई। 105 रुपये का तेल है, 105.25, मतलब पिछले एक हफ्ते में कितने रुपये का फर्क आया, 1 रुपये करीब बढ़ा है, 104 रुपये के हिसाब से। नहीं क्या भाई, हाँ बोलो बढ़िया। सब जान पहचान के लोग मिलते रहते हैं, आते आते रहते हैं, फैंस लोग हैं हमारे। तो गाइस ये था मेरा व्लॉग जो मैंने आपके 2 से 4 दिन का इसमें दिखाया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। लैपटॉप वगैरह भी फिर से रिपेयर हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें करी, मेरे बाल वगैरह भी कटे, बहुत कुछ हुआ। सो अगर आपकी वीडियो याद है, देखिए आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको करना क्या, वो करना लाइक और फिर करना शेयर, चैनल सब्सक्राइब, तीन काम फटाफट से करना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे किसी ने वीडियो में, किसी ने फूड कॉन्टेंट में, किसी ने इवेंट ब्लॉग तक के लिए।
गुड बाय और टेक केयर. 'Cause I've been living life right like I could just die.